नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। और इसरो ने वैकेंसी निकाली है इसके वीएसएससी के लिए। वीएसएससी यानी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो इसरो के अधीन कार्य करता है, उसमें वैकेंसी आई है डिफरेंट पोस्ट के लिए। इसमें टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है, ड्राफ्टमैन की वैकेंसी आई है, कुक की वैकेंसी आई है, फायरमैन की आई है और आई है कैटरिंग अटेंडेंट की। तो कैटरिंग अटेंडेंट की जो वैकेंसी है उसके लिए 22 पोस्ट हैं, जिसमें से 13 सामान्य की हैं, 6 ओबीसी की हैं और एससी की हैं 3। और इसके लिए आप सिर्फ 10th पास होने चाहिए, यानी आप एसएसएलसी या फिर एसएससी मेट्रिकुलेशन हाई स्कूल सेकेंडरी या पास होने चाहिए। तो आज हम आपको इस वैकेंसी के बारे में, साथ ही जो अन्य वैकेंसी है उन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो साथियों, वैकेंसी निकाली है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने, जो कि इसरो के अंतर्गत काम करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्नीशियन बी की। टेक्नीशियन बी के लिए आईटीआई, एनटीसी और एनएसी तीनों योग्यता वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पहली वैकेंसी है इलेक्ट्रीशियन की, इसमें 7 वैकेंसी है। इसके लिए आप 10th पास हो और आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आईटीआई कर रखी हो। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की वैकेंसी 5 है, इसके लिए आपने 10th के बाद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में आईटीआई कर रखी हो। मशीनिस्ट की वैकेंसी 5 है, इसके लिए आपने 10th के बाद आईटीआई कर रखी हो मशीनिस्ट ट्रेड में। वहीं फिटर की वैकेंसी है 3, इसके लिए भी आपने 10th के बाद फिटर ट्रेड में आईटीआई कर रखी हो। एफआरपी की अगर हम बात करें तो आपने 10th के बाद आईटीआई कर रखी हो फिटर में, मशीनिस्ट में, टर्नर में या फिर मोल्डर में। साथ ही आपने कम से कम 1 साल की अवधि का, यानी 1 ईयर ड्यूरेशन का एफआरपी सर्टिफिकेट कोर्स किया हो और आप उसमें पास हुए हो। बात करें केमिकल ऑपरेटर मेंटेनेंस मैकेनिक की, तो इसकी 2 वैकेंसी आई है। इसके लिए आप 10th के बाद मेंटेनेंस मैकेनिक केमिकल प्लांट में आईटीआई होनी चाहिए। बात करें हम टर्नर की, तो टर्नर की वैकेंसी आई है 2, इसके लिए आप 10th के बाद टर्नर ट्रेड में आईटीआई होनी चाहिए। एमआर एंड एसी की वैकेंसी 2 आई है, इसके लिए आप 10th पास हो, साथ ही आपने मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड में आईटीआई कर रखी हो। इलेक्ट्रोप्लेटर के लिए 1 वैकेंसी आई है सामान्य की, इसके लिए आप 10th पास हो, आपने इलेक्ट्रोप्लेटर ट्रेड में आईटीआई कर रखी हो। प्लम्बर के लिए 1 वैकेंसी आई है, और इसके लिए आपने 10th के बाद प्लम्बर ट्रेड में आईटीआई, एनटीसी, एनएसी कर रखी हो। ब्लैक स्मिथ के लिए भी 1 वैकेंसी है, इसके लिए आपने 10th के बाद ब्लैक स्मिथ ट्रेड में आईटीआई कर रखी हो। वहीं इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 1 वैकेंसी है, इसके लिए आपने 10th के बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड में आईटीआई कर रखी हो। अब बात कर लेते हैं सेकंड टाइप की वैकेंसी की, तो वो आई है ड्राफ्ट्समैन की, और ये वैकेंसी आई है मैकेनिकल ट्रेड में। इसकी वैकेंसी है 4, इसके लिए आप 10th पास हो, आपने ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल ट्रेड में आईटीआई कर रखी हो। बात करें हम कुक की, तो कुक की वैकेंसी आई है 3, और इसके लिए आपने 10वीं के बाद किसी वेल एस्टेब्लिश्ड होटल या कैंटीन में कम से कम 5 साल तक एज ए कुक काम किया हो। अब बात कर लेते हैं फायरमैन की, तो फायरमैन की 1 ही वैकेंसी आई है, इसके लिए आप 10वीं पास हो और आप फिजिकल स्टैंडर्ड जो आगे हम आपको बताएंगे वो आप पूरे करते हो। अगली वैकेंसी है कैटरिंग अटेंडेंट की, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। कैटरिंग अटेंडेंट की 22 वैकेंसी है, और इसके लिए आप सिर्फ 10th पास होनी चाहिए। अगर आप किसी भी स्ट्रीम में 10th पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। वही बात करें पे स्केल की, तो टेक्नीशियन का जो वेतन है वो 21,700 से 29,100 वाले गेट में है। वही ड्राफ्टमैन का वेतन भी 21,700 से 29,100 वाले गेट में है। रसोईया का जो वेतन है वो 19,900 से 63,200 वाले गेट में है, और फायरमैन का भी इसी गेट में है 19,900 से 63,200 वाले गेट में। वही जो कैटरिंग अटेंडेंट की पोस्ट है उसके लिए वेतन 18,000 से 56,900 वाले गेट में है। अब बात कर लेते हैं अपर एज लिमिट की, और लगभग कितने रुपए महीने आपको मिलेंगे अनुमानित। टेक्नीशियन की सभी पोस्ट के लिए, साथ ही ड्राफ्टमैन की पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट है 35 साल सामान्य के लिए। बात करें पे स्केल की, तो लगभग आपको 27,000 रुपये महीने स्टार्टिंग में मिलेंगे। बात करें हम कुक की, तो कुक के लिए अपर एज लिमिट 35 साल है, और इसके लिए वेतन मिलेगा 24,000 रुपये महीने लगभग। ये अनुमानित है 19,900 वाले ग्रेड में आपका ये वेतन है। फायरमैन ए के लिए आपका यही वेतन रहेगा, एज है 25 साल। वही कैटरिंग अटेंडेंट के लिए अपर एज लिमिट है 25 साल, और वेतन आपको लगभग 22,000 रुपये महीने मिलेगा, क्योंकि ये जो वेतन है ये 18,000 वाले ग्रेड में है। और एज की जो कैलकुलेशन है वो 11/1/2019 को काउंट होगी, और मिनिमम एज है 18 साल। अब बात कर लेते हैं जो फिजिकल स्टैंडर्ड मांगे गए हैं फायरमैन के लिए उनके बारे में। बाओ लेग्स, नॉक नीज, फ्लैट फुट, ये परेशानी आपको न हो। हाइट मिनिमम 165 सेंटीमीटर, वजन कम से कम 50 किलोग्राम, चेस्ट ऊंची कम से कम 81 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद ही हो जाए 86 सेंटीमीटर। डिस्टेंट विजन 6x6 होना चाहिए विदाउट ग्लासेज, और ये 40 साल से ऊपर की उम्र के कैंडिडेट हैं उनके लिए नॉर्मल विजन होना चाहिए, लेकिन उनको प्रेस बायोपिक करेक्शन की छूट होगी। नाइट ब्लाइंडनेस एक डिस्क्वालिफिकेशन है, वही कलर ब्लाइंडनेस भी एक डिस्क्वालिफिकेशन है, और आपकी आंखों में भेंगापन न हो। वही इसमें 40 साल से ऊपर एज वालों को कुछ छूट दी जाएगी, और 30 साल से ऊपर वालों को भी, यानी जो 2-स्टार स्टैंडर्ड है उनको भी छूट दी जाएगी।
अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन जो होगा वो रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के थ्रू होगा और फाइनल मेरिट बनेगी रिटन टेस्ट के बेस पर। जो स्किल टेस्ट होगा वो 100 अंकों का होगा और इसमें कम से कम आपको 60 अंक लाने होंगे, ये गोनो गो बेसिस पर होगा। फाइनल मेरिट हम आपको बता चुके हैं रिटन के मार्क्स के बेस पर बनाई जाएगी। वहीं अगर फीस की हम बात करें तो फीस नॉन रिफंडेबल है, 100 रुपये आपको पे करनी होगी ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग के थ्रू। और जो कैंडिडेट फीमेल है SC ST इसके अलावा एक्सेसमेंट कैंडिडेट है और PH कैंडिडेट है उनको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। बात कर लेते हैं आवेदन करने की, तो एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन है, आप www.vssc.gov.in पे जाके वहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट है 24/12/18 और लास्ट डेट है 11/1/2019। साथ ही दोस्तों इस भर्ती का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहां से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वैकेंसी अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।